नमस्कार, ये वीडियो आप देख रहे हैं नागौर मेले में। और अभी अभी ये बैल के जो चार जोड़े हैं ये बिक चुके हैं और भाई साहब को पूछेंगे कितने में खरीदा है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। तो आपने इन बैलों को खरीदा है? हाँ खरीदा भाई साहब। तो क्या रेट में खरीदा है? दो तो 45 के खरीदे, दो 40 के खरीदे। अच्छा, दो 45 के? हाँ, दो 40 के। मतलब ये जो बड़े बैल है इनकी क्या कीमत आपने दी है? 45,000 रूपए। अच्छा, 45,000 रूपए। और ये जो थोड़े छोटे हैं इनकी कीमत? 40,000। आप कहाँ से आए हो खरीदने के लिए? खंडवा एमपी मध्य प्रदेश। अच्छा, खंडवा एमपी मध्य प्रदेश। हाँ। तो आप कब आ गए थे? कल आ गए? नहीं, हमको 2-3 दिन हो गए। अच्छा, 2-3 दिन हो गए। तो इस बैलों की आपने 45,000 रेट दिए, तो इसकी क्या खासियत देखी आपने? इसके सींग, पगड़ी, हस्ट, फूल अच्छे हैं। ये खेती में ऊंचे बैल है, चलने में अच्छे रहते हैं, रखते ज्यादा है, चलते ज्यादा है। अच्छा, चलते ज्यादा है, चंचलता इनमें ज्यादा रहती है। और बड़े बैल है, ज्यादा काम रुकाते है। तो ये आपने खरीदा, तो इनकी एज भी पूछी होगी? हाँ, इनके मांगे थे हमारे 60,000 रूपए। अच्छा, 60,000 रूपए। हाँ, तो सौदा हमारा 45,000 में हो गया। 45,000। और इनकी उम्र क्या है? इनकी उम्र 3-4 साल की है। 4 साल के बैल है चलते। अच्छा, 4 साल के। और साथ में ये जो दूसरे, इनकी 3 साल के चालू है। अच्छा, 3 साल के चालू है। मतलब 3 साल रे बैल ने आप खरीदियो और 4 साल रे बैल ने आप खरीदियो। तो वो मालिक कितने रुपया मांगिया? इनके मांगे थे 50,000 दोनों के हमारे से। अच्छा, 50,000 मांगे थे। और आपने फिर फाइनल सौदा कितने में कर लिया? फिर फाइनल ये 40 में हो गए और वो 45 में हो गए। 45 में हो गए। तो नागौर के मेले में पहली बार आए या पहले भी आप? हम तो हर साल आते, 2-3 मेले से आ रहे हैं। तो 2-3 मेले से आ रहे हैं। हाँ। आप अभी पहली बार ये लेके जा रहे हैं बल्द को या फिर आप पहले से ही रख रहे हैं? नहीं, हमारे इधर बैल चलता है खेती में 12 महीने। तो आपके वहाँ ट्रैक्टर नहीं चलता है? ट्रैक्टर चलता है, पर ये बैल की खेती सही रहती है। बैल की खेती सही रहती है। तो भाई साहब बताओ, ऐसा है हमारे उधर के लोग, भाई साहब निमार के लोग ऐसे बोलते हैं कि गौ माता का खेत में पैर गिरने से शुभ होता है। शुभ होता है, आप वहाँ मध्य प्रदेश में ये मानते हैं? हाँ। देखो कितना बढ़िया विचार है। मतलब किसान यूं माने कि किसान खेत्र में बलद्रा गौ माता रा पैर रखी है, मतलब वो खेत शुद्ध है। बहुत सुंदर जानकारी। आपने उठे किसी किसी फसल ज्यादा हुआ करे? केले की खेती होवे, गन्ना की होवे, गेहूं की होवे, सोयाबीन की होवे, आलू की होवे, अरबी की होवे, प्याज की होवे। अच्छा, प्याज की होवे। बैल ने किसी किसी फसल में काम ले ज्यादा? सोयाबीन में, सोयाबीन और कपास। अच्छा, सोयाबीन और कपास में बैल निकालते हैं। आप रे जो बैल लेन जाओ और बैल री खेती करो, ये बैल रो एक दिन में कितो खर्चो आवे? मतलब कितो चारो? हमारे चारा सस्ता है, चारा बहुत सस्ता है। 12 महीने हरा खाता है, चारा बहुत होता है। अच्छा, वहाँ चारा सस्ता है? हाँ। ये राजस्थान में हमारे चारा बहुत, चारा महंगा है, चारा महंगा है। ये देखिए बहुत सुंदर, आपका शुभ नाम क्या है? तुम इंदर, इंदर सिंह जी। हाँ। और एमपी कौन सा गाँव? देश गाँव, खंडवा जिला मध्य प्रदेश। अच्छा, खंडवा जिला देश गाँव से। और आपने देखिए चार बलदा की जोड़ी को खरीदा है, दो जोड़ी है जो 45,000 रूपए में और दो जोड़ी 40,000 रूपए में। कितने सुंदर वीडियो आप देख रहे हैं। नागौर का मेला, रामदेव पशु मेला चल रहा है। बहुत सुंदर सुंदर वीडियो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। किसान का जीवन, गाँव का जीवन। और नागौर के बलद पूरी दुनिया में फेमस है कि नागौर के बलद? तो आप मतलब पूरी दुनिया में जो जीके के सवाल आते हैं उसमें नागौर के बलदों का जिक्र होता है कि सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो बलद है वो नागौर का। और कितने सुंदर ये नागौर के बैल है, देखिए इनके कितने अच्छे सींग है, इनकी थुई, इनकी चाल चलन। और इस तरह खूब सारे बैल बिकने शुरू हो गए हैं नागौर मेले में। और मैं खूब सारे वीडियो आपके साथ में शेयर करूँगा। फिर मिलेंगे कोई नए वीडियो के साथ में। तब तक आप सबको नमस्कार, राम राम सा। भाई साहब आपके वहाँ भी राम राम सा करते हैं? करते 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 राम राम करते ना, राम राम करते। राम का नाम लेने से तो कोई इनकार नहीं करता यार। कोई इनकार नहीं करता। कितनी सुंदर बात कह रही है आप। और राम रो नाम और गौ माता रो नाम ले कोई सब खुश हुए। मेरे हाथ पे, खुद के हाथ पे राम राज्य लिखा हुआ है। अरे राम राज्य लिखा हुआ है और आप मन में है कि राम राज्य होना चाहिए। राम राज्य, बहुत सुंदर। धन्यवाद भाई साहब।